नीतीश कुमार ने बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा की है। सीएम निवास के संकल्प में उन्होंने अधिकारियों के साथ बाढ़ और सुखाड़ की संभावित परिस्थिति पर मंथन किया है। इस दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य में बारिश की स्थिति की जानकारी दी, साथ ही विभाग की ओर से की गई तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी है। कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने भी धान और मक्का की रोपनी पर भी विस्तार से जानकारी दी है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कम वर्षा को देखते हुए किसानों को 8 घंटे की जगह 14 घंटे तक बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दिए, साथ ही डीजल अनुदान भी मंजूर किए जाने के आदेश दिए। सीएम ने जल संसाधन विभाग को नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि पटवन में सुविधा मिल सके। बैठक में जल संसाधन मंत्री भी मौजूद रहे। और मानसून सत्र की चौथे दिन बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा दिया। विपक्ष के आरोप पर जेडीयू नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है और इसीलिए आरजेडी बेवजह राजनीति न करे। आगे बढ़ा था दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं वो, कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते आरजेडी नेताओं की ये तस्वीर बिहार विधान परिषद के बाहर की है। महिला अपमान का आरोप लगाते हुए आरजेडी पार्षदों ने विधान परिषद गेट पर जमकर नारेबाजी की। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। पूछना चाहता है ललन जी से कि अपना माँ के अपना औरत के कितना तक पढ़ाए लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं और सर्टिफिकेट दे ले आके दे सर्टिफिकेट उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है, हम मान सम्मान करते हैं महिला। आरजेडी के आरोप पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा आरजेडी को महिलाओं के अपमान पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। नीरज ने कहा ये पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ नहीं किया और महिलाओं के सम्मान का जहां तक सवाल है आपको बोलने का अधिकार है। अरे आप तो घर की महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसके अलावा तो आपको एहसास भी नहीं है। आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को विधानसभा में हंगामा करने पर आरजेडी विधायक रेखा देवी के खिलाफ भड़क गए थे। दूसरी ओर केंद्रीय बजट को बेकार बताने पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर तंज कसते हुए कहा था कि कितना लंबा दस्तखत करती हैं। अब आरजेडी नेताओं ने इन दोनों बयानों को महिलाओं का अपमान बताया है और सियासी माहौल बनाने में जुट गए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने राबड़ी देवी पर बयान दिया था जिसके बाद राबड़ी देवी ने भी पलटवार किया था और अब ललन सिंह ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। ललन सिंह ने ये कह दिया कि बजट तकनीकी चीज है और ये बात राबड़ी देवी को समझ में नहीं आएगी। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री रहते हुए राबड़ी देवी ने महिला सशक्तिकरण के लिए आखिर कौन कौन से काम किए, क्या काम किए। राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो हमारी माता जी और हमारी पत्नी तो बिहार की मुख्यमंत्री नहीं रही हैं और ना उन्होंने कोई बजट पर प्रतिक्रिया दी है। तो हमने तो यही कहा ना कि बजट पर प्रतिक्रिया, उनको बजट क्या समझ में आएगा। तो या तो हमने गलत कहा है उनके हस्ताक्षर के बारे में या जो भी कहा है वो हमने बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहा है, तो उनको कहना चाहिए कि या तो हमने जो कहा है वो गलत है, इसमें महिलाओं का अपमान कहा, कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल तो हमने नहीं किया। और बिहार विधानसभा में विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है लेकिन सत्ता पक्ष के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के 4 दिन बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से कहां गायब है। बिहार विधानमंडल का सत्र किसी भी राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, कई राजकीय कार्य होते हैं, आम लोगों से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब दिए जाते हैं।
विपक्ष सरकार को कई बिंदुओं पर घेरने का काम करता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सदन छोड़कर पर्यटन कर रहे हैं, इसे बढ़कर बिहार के लिए और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष संसदीय प्रणाली में कभी गंभीरता से लिया उन्होंने? कभी भी जब प्रतिपक्ष के नेता थे कभी भी वो लेते थे, आते थे, ऐसे ऐसे हाथ को फरकाते रहते थे, अब फरका करके विदा हो जाते, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। क्वेश्चन आवर सरकार को घेरने का सबसे बड़ा माध्यम होता है, अगर विपक्ष गंभीर है सरकार के खिलाफ में तो उसको तो चलाना चाहिए। जनता का मुद्दा है, जनता का मुद्दा तो उठाने के लिए हम लोग हैं ही, नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो क्या हम लोग नेता प्रतिपक्ष नहीं है? उनके रूप में हम लोग खड़े हैं सभी लोग। क्यों कर दे रहे हैं अब हम बहिष्कार? अभी क्या हुआ कि विजय चौधरी जी, मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया, अध्यक्ष जी ने उनको समय दे दिया, लेकिन प्रतिपक्ष के लोगों को बोलने के लिए एक मिनट भी नहीं, आधा मिनट भी नहीं। 22 तारीख से ये मानसून सत्र चल रहा है, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 22 तारीख से अभी तक किसी भी विपक्ष के किसी एक व्यक्ति को एक सेकंड के लिए जो है माननीय अध्यक्ष जी मौका नहीं देते। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है। हम लोग पुराने सदस्य हैं, 3 बार 4 बार से MLA हैं, आज तक सदन का कोई भी अध्यक्ष इस व्यवहार के लोग नहीं बने। और बिहार में सदन से गैर हाजिरी पर एनडीए की ओर से हमला झेल रहे तेजस्वी यादव आज पटना पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने मानसून सत्र से गैर हाजिर रहने पर सफाई दी। उन्होंने बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने को लेकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि मामूली संशोधन से बिहार को विशेष दर्जा मिल सकता है, लेकिन एनडीए सरकार इस पर लापरवाही बरत रही है। सही है कि ये लोग सरकार में है और जदयू के वजह से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, विशेष राज के दर्जे को लेकर के जो है भाजपा शुरू से ही मन बनाई हुई थी कि नहीं देगी, और ये बात जनता दल यूनाइटेड भी जानते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े संशोधन हुए हैं, क्या ये तो मामूली सा संशोधन करना है? तो इसमें तो कम से कम बिहार को देना चाहिए, लोग ठगने का ही लोग काम। लगातार आपके खिलाफ जो है लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं मानसून सत्र चल रहा है, आप विदेश में घूम रहे हैं, अब तो आप जनता के दिल में, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं 15 अगस्त से हम लोग, उसके बाद हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता के बीच जाने से पहले थोड़ा आपको फिट भी होना पड़ता है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं, तेजस्वी यादव कल दरभंगा जाएंगे, मुकेश सहनी से करेंगे मुलाकात, सुपौल स्थित आवास पर जाएंगे तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी के पिता की हुई थी हत्या, परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव वहां पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले तेजस्वी यादव की तरफ से भी बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर प्रतिक्रिया दी गई थी, और इसी बीच मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद वो मुकेश सहनी से मुलाकात करने दरभंगा पहुंच रहे हैं। और बिहार में गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी और सड़क पर सुरक्षा तय करने के लिए 78 MVI की बहाली की गई थी। अक्टूबर 2022 में बहाली के बाद उनकी जल्द पोस्टिंग भी की जानी थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इन मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्टिंग नहीं की गई है। यह आलम तब है जब बिहार में एक MVI को 3-3 जिले का प्रभार दिया गया हो। इस पूरे मामले में विभाग मौन है, लेकिन सियासत गर्माती ही जा रही है। RJD ने इसे भ्रष्टाचार का खेल बताते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं, तो कांग्रेस ने भी पोस्टिंग नहीं होने को गंभीर बता दिया है। BJP ने इसे गंभीर मसला बताया तो JDU ने RJD के आरोपों को खारिज कर दिया है। इस पूरे मामले पर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने जल्द ही अधिकारियों की पोस्टिंग का भरोसा दिलाया है। तो JDU ने RJD के आरोपों को नकारा है, परिवहन मंत्री ने पोस्टिंग का भरोसा दिया है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। भ्रष्टाचार का ही मामला है, इसलिए पोस्टिंग नहीं हो पा रही है, और सफर कर रहा है बिहार की जनता। एक एक अधिकारी को 2-2 जिला 3-3 जिला के प्रभार दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं खेल है जो केंद्रीय स्तर पर संचालित हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं मुद्राए नमः वाली स्थिति है जो इस सरकार की नीति है, और अधिकारियों को खुली छूट जो दे रखी है उसी के तहत इसको कहीं ना कहीं होल्ड किया गया है। परिवहन मंत्री से बात करेंगे और उनको इस बात की जानकारी देंगे, जब बहाली हुई है तो उनका पोस्टिंग भी होना चाहिए, और हमारे यहाँ तो परिवहन विभाग में अधिकारियों की कमी है,
तो उस कमी को इसके माध्यम से पूरा होना चाहिए। विपक्ष का काम है भ्रम फैलाना और हमारा काम है निष्पक्ष रूप से सरकार को चलाना। जो MBI में जिनकी नियुक्तियां हुई है उनको भी पोस्टिंग दे दी जाएगी। सरकार के पास सभी चीजों का डाटा है, आंकड़ा है। इस सब चीजों के लिए विपक्ष चिंता ना करे, हम लोग उसके लिए सजग हैं और हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, आपको बता दें कि अभी जस्ट उसका हुआ है, उसको भी हम लोग ध्यान में उसका करेंगे। वही भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार और दलाल के हावी होने की शिकायत पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद सभी DM को अंचल और राजस्व ऑफिस में छापेमारी के साथ औचक निरीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए। कोई भी बाहरी व्यक्ति या दलाल नजर आने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शिकायत चारों तरफ से आ रही थी तो हमने सभी DM को आदेश दिया है कि आप अंचल कार्यालय पर और राजस्व कार्यालय पर जो है छापामारी औचक निरीक्षण कीजिए, और औचक निरीक्षण करके कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर आपको नजर आता है तो उसको उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, उसको गिरफ्तार करके FIR कीजिए। वहीं RJD के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने आरोप लगाया है कि बजट में बिहार को कुछ भी नहीं मिला, केवल रीपैकेजिंग की गई है। उन्होंने बिहार को सड़क की सौगात दिए जाने पर पलटवार किया और कहा कि पथ निर्माण के मंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और उस वक्त मंजूरी की बात कही गई थी, योजना को ही रीपैकेजिंग कर दी गई है जिसकी चर्चा पहले की गई थी। बजट में इन्होंने जो बिहार के लिए एक जो ढोल पीटा जा रहा है कि विशेष पैकेज मिला, वो मैंने कहा है कि रीपैकेजिंग और फिर रीपैकेजिंग की नई रीपैकेजिंग की है इन्होंने। सिलेबस और किताब वही है, इन्होंने खाली जिल्द बदला है, रैपर चेंज किया है, और अगले साल आप देखिएगा, अभी से मैं कह रहा हूँ फिर वो रैपर चेंज हो जाएगा। अब आप चार आने को एक रुपये बताने से चार आना कोई एक रुपये हो जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर, मुजफ्फर